हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग अपने चेहरे को एकदम से ग्लोइंग और चमकाना चाहते हैं, चेहरे को फेयर करना चाहते हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, चेहरे पे बहुत सारे एक्नी और पिंपल्स निकल रही हैं, पिंपल्स के निशान हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है, तो आप इस पैक को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप यकीन जानिए, इतने ज़्यादा कमाल के आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, हफ्ते में दो बार भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, हमें लेना है 1 चम्मच बेसन भर के, जिसको हम ग्रेन फ्लोर बोलते हैं, चने का आटा बोलते हैं, वो ले लीजिए। और आपको लेना है 1 ही चम्मच इसमें मुल्तानी मिट्टी पाउडर। दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे स्किन से सारी डेड स्किन को निकाल देंगे, स्किन को जो है स्मूथ बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, गोरा बनाएंगे। और इसको इसमें डालना है हमें, इसमें स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए आपको लेना है 1/2 चम्मच के करीब इसमें नारियल का तेल। तो नारियल का तेल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नारियल का तेल लेने के बाद में आपको नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें, तो इस पैक को बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार करने के लिए हमें इसमें लेना है रोज़ वाटर। तो अच्छे से आप किसी भी अच्छी ब्रांड का रोज़ वाटर ले लीजिए और इसमें ज़रूरत के हिसाब से आपको इसमें ऐड करना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये बढ़िया सा एक पैक बन जाए। ये जब आप इसको फेस पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, स्किन एकदम से स्मूथ हो जाएगी और चेहरे पे आपके जो छोटे छोटे से दाने निकल रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, पिंपल्स एक्ने की जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी दूर होगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये पैक बहुत ही गजब के आपको रिजल्ट देगा। तो आप वीडियो पे फुल बने रहिए और देखिए इसके रिजल्ट। मैं आपको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। तो इसको हमने तैयार कर लिया है, अब इसको लगाना कैसे है, आपको अपनी फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई करना है, लगाना है इस तरीके से, और लगा के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ना है फेस पे। 20 मिनट के बाद में चेहरे को आप ताज़े पानी से धोकर साफ कर लीजिए। ऐसा हफ्ते में आपको 2 बार ज़रूर करना है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। फ्रेंड्स, कोई भी घरेलू रेमेडी होती है वो एकदम से रिजल्ट आपको नहीं देती है। अब आप इसको हफ्ता भर करेंगे तो आपकी स्किन एकदम से स्मूथ होगी, स्किन पे जो भी डेड स्किन हो गई है वो ख़त्म हो जाएगी, स्किन फेयर होगी और ग्लोइंग होगी। तो इस तरीके से आप बना के लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका चेहरा एकदम से ग्लोइंग होगा, फेयर होगा। तो चलिए इसको बना के लगाइए और रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।